देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो मजहब तो हमको प्यार सिखाता है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह भाई साहब ने दो दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह उसकी मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं आपका, सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इजहार होता है, लेकिन ये है क्यों गलत फहमी, जिस तरीके से मीडिया गलत फहमियां फैलाती है हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे दो लकब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी वही काम, दो लकब दो टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है, अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है, तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी सेम काम दो लकब, वही आदमी वही काम दो लकब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई देशभक्त, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त देशभक्त, हाँ मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते, तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं CNN BBC पे कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है मेरा, जो सवाल था आता हूं मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी, उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी, टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट।
चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है, वही आदमी वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया फिर अच्छा काम किया फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमिटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब ट्रुथ, जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को, तो लोग आए थे खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है, किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है, क्या बात है? आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त है। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लकब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना हजम होता है, मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नायक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है, पहले तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाल्लाह, तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है, मान भी लो भैंस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4 हजार लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है।